दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो दोपहर 2:30 बजे के आसपास इस सुनवाई होगी और ईडी ने 21 मार्च तक, आपको बता दें, लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कई सारे सवाल ऐसे हैं जो उनसे अभी भी पूछे जाने बाकी हैं और इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज ही दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर फैसला सुनाया जाएगा और दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कई सारे सवाल उनसे किए गए लेकिन ईडी तब भी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई। उससे पहले कई समन्स उनको लगातार भेजे गए थे लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घोटाले की जांच में जुटी हैं। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है और इस घोटाले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बीजेपी लगातार हमलावर है और मनोज तिवारी का यह बयान सामने आया है, केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है और किसी को इस केस में बख्शा नहीं जाएगा, ये उनका कहना था। साथ साथ केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया था। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहाँ तक तो पहुँचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरव भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जिन्हें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया, तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। कल ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी, उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन वो हारने वाले नहीं है, तो बार बार ये बयान सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन ये तस्वीरें भी लगातार आप देखते रहिए किस तरीके से एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। और इस वक्त विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट से, वो लाइव है। कितने देर में ये जो फैसला है जो सुरक्षित रख लिया गया था विक्रांत, वो आएगा, क्या अपडेट है फिलहाल इसको लेकर? देखिए, 3 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में लंबी सुनवाई चली थी। दोनों पक्षों ने काफी देर तक अपनी अपनी दलीलें दी थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दोपहर 2:30 बजे का समय पहले से तय है जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगी और ईडी ने पुरजोर विरोध किया। ये जमानत याचिका नहीं है अरविंद केजरीवाल की बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड, जो उन्हें ईडी का रिमांड दिया गया था, दोनों को चैलेंज किया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए, इस गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया, ये कहा गया कि ईडी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करना चाहती है, चुनाव के दौरान उनकी गिरफ्तारी कर उनकी पार्टी को एक तरह से परेशान करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। वहीं ईडी की तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई राजनेता अगर कोई अपराध करता है एमसीसी लगने के बाद, यानी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो इस तरीके से दोनों पक्षों ने बहुत लंबी दलीलें दी थी। काफी ईडी की तरफ से एएसवी राजू ने अपनी लंबी दलीलें दी थी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए पेश होते रहे हैं अलग अलग अदालतों में, उन्होंने दलीलें रखी थी और आज कोर्ट 2:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएगा। जाहिर बात है अरविंद केजरीवाल के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक यह पहली याचिका है जिसमें उन्होंने अपनी अरेस्टिंग को और पुलिस रिमांड दोनों को चैलेंज किया है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी, लंबी सुनवाई हुई थी और आज हाईकोर्ट ये साफ करेगा अपने आदेश के जरिए कि वो
जो ईडी की गिरफ्तारी थी और जो कोर्ट का रिमांड था उसको किस नजर से देखता है जी, और इसी पर निगाहें भी टिकी हुई है।